हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू ब्यूटी तंत्र। सो जैसे कि आप लोग को समझ पा रहा होगा, आई डोंट नो आपको समझ पा रहा है या नहीं, बट एक्चुअल में मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बट स्टिल आई वॉन्टेड टू क्रिएट दिस लुक फॉर यू गाइस। ये लुक जो है वो मैंने रिपब्लिक डे के लिए क्रिएट किया है। बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, प्लस बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेकअप रखने की कोशिश की है। इस मेकअप को लिटरली कोई भी कर सकता है, बिगनर हो, अभी अभी मेकअप चालू किया हो, आराम से आप ये जो मेकअप है वो अचीव कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप लोग को चाहिए कि ये आज का जो इतना प्यारा नेकलेस मैंने कहाँ से ख़रीदा, इसके डिटेल्स आपको चाहिए, तो आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने ये ख़रीदा है मीशो से मैंने बहुत कुछ ऑर्डर किया था, तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ज्वेलरीज मैंने मीशो से खरीदे हैं। सो या विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम करेंगे फेस को मॉइस्चराइज़, और उसके लिए मैंने यहाँ पे ये ईमोलिन का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। इसे कोई भी यूज़ कर सकते हो, ड्राई स्किन टाइप हो, ऑयली स्किन टाइप हो, कोई भी ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकता है, और ये आपको आराम से किसी भी फार्मेसी में मिल जाएगा। इसके बाद मैंने यूज़ किया है इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर, तो इसको मैं सिर्फ जहाँ जहाँ मेरे लार्ज पोर्स है वहाँ पर इसे लगाऊँगी, एंड मेरे फिंगर्स के हेल्प के साथ में मैं इसको अच्छी तरीके से मेरे पोर्स के अंदर ब्लेंड कर दूंगी, सो दैट फाउंडेशन के लिए हमें एक स्मूथ कैनवस मिले। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं स्विस ब्यूटी के ये कंसीलर इंस्टेड ऑफ अ फाउंडेशन, तो जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ 06, तो ये मेरा एग्जैक्ट शेड है, तो इससे मैं अपने फेस पे लगाऊंगी एज अ फाउंडेशन, इसे मैं यूज़ करूँगी। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कवरेज की ज़रूरत है वहाँ पर मैं इसे लगाऊँगी, एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये कंसीलर ब्लेंड हुआ है, प्लस ने मेरे फेस को इतने अच्छे तरीके से करेक्ट किया है कि मुझे फाउंडेशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि कंसीलर के बाद भी आपको थोड़ा फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत है तो आप लगा सकते हो। इसके बाद मैंने दूसरा शेड यूज़ किया है जो कि मेरे स्किन टोन से एक शेड लाइट है, और इसको मैं एज अ हाईलाइटिंग कंसीलर यूज़ करूँगी। तो मैं उसको अंडर आइज़ के नीचे, मेरे आईलिड्स के ऊपर, थोड़ा सा अराउंड माई माउथ इसको मैं लगाऊँगी, एंड विद द हेल्प ऑफ अ सेम ब्यूटी ब्लेंडर अगेन मैं इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। बहुत ही अच्छा कंसीलर है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, और इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, तो आप जाके देख सकते हो आपका कौन सा शेड है। एंड ये इतना ज़्यादा फुल कवरेज है कि इसके बाद फाउंडेशन की तो मुझे तो एटलीस्ट ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपको चाहिए तो आप फिर भी लगा सकते हो। सो गाइज, आज के जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने shop.trail वेबसाइट से ख़रीदे हैं। इनका एक ऐप भी आता है, तो आप इस ऐप पे जाके अलग अलग ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट्स आप बाय कर सकते हो, एंड आप मेरा कूपन कोड ब्यूटी तंत्र C25 भी यूज़ कर सकते हो, इससे आपको 25% ऑफ मिलेगा। इस वेबसाइट पे आपको सिर्फ मेकअप आइटम नहीं बल्कि आपको क्लोथिंग आइटम, बैग्स, एक्सेसरीज, जो आपको चाहिए आप सब वो ख़रीद सकते हो, सो डू चेक दैट वेबसाइट आउट। इसके बाद मैंने यूज़ किया है ये लैक्मे 9 to 5 लिपस्टिक, जो कि मैं एज अ ब्लश यूज़ करने वाली हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर कलर है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। इसको मैं एज अ चीक टिंट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये लिप्स पे एंड चीक्स पे दोनों पे आप यूज़ कर सकते हो, तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसके बाद मैं फेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मार्स का ये लूज पाउडर, एंड दिस इज़ इन द शेड बनाना। तो मैं इस लूज पाउडर से आज बेकिंग करने वाली हूँ, तो मैं इसको अपने आँखों के नीचे, अपने चीक बोन्स के वहाँ पे इसे मैं लगाऊंगी, और बेकिंग करने के लिए मैं इसको थोड़ा देर रख दूंगी। बेकिंग इज़ अ टेक्निक वेयर आपको थोड़ा देर पाउडर आपके फेस पे रखना होता है, उससे वो पाउडर आपके बेस को अच्छे से सेट कर देगा। इसके बाद मैं फॉर आई शेडो मैंने ये 3 शेड्स यूज़ किए फ्रॉम दिस SFR आई शेडो पैलेट। बहुत ही खूबसूरत आई शेडो पैलेट है, इसके कलर्स बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। इन आई शेडो का मैंने पूरा रिव्यू किया है मेरे चैनल पर, तो आपको चाहिए तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो पहले मैंने क्रीज पे ये ऑरेंज सॉर्ट ऑफ शेड लगाया जो कि बहुत सुंदर दिखता है, मैं दोनों साइड पे ये कलर लगा दूंगी। उसके बाद मैं जो डार्क ब्राउन था उससे मैं अपनी आउटर कॉर्नर जो है उसको डिफाइन करूंगी अच्छे से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एंड जो ज़्यादा डार्क वाला शेड था, जो एक्सट्रीम डार्क ब्राउन शेड था, उसे मैं एज अ आई लाइनर यूज़ करूँगी अपनी आईज़ पे, तो इससे क्या होगा वो एकदम अच्छे से डेप्थ क्रिएट करेगा। इससे मैं अपने लोअर
लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी। सेम कलर्स मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगा लूंगी। आप चाहो तो आप ब्लैक कलर का काजल भी यूज कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड यूज किया है एज अ आई लाइनर। इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये हिलेरी रोडा का ग्लिटर आईलाइनर, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर आप ये सिर्फ ग्लिटर आईलाइनर भी लगाओ ना तो भी बहुत अच्छा लुक क्रिएट होने वाला है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और ये बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल भी था। ये सेम आईलाइनर मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे भी लगा रही हूँ, 1/3 ऑफ द आईज पे लगा रही हूँ मैं लोअर लैश लाइन पे। इसके बाद में जो लूज पाउडर हमने बेकिंग के लिए लगाया था वो मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे डस्ट ऑफ कर दूंगी अपने फेस से। इसके बाद मैंने यूज़ किया है ये स्टे क्वर्की का ब्लश, जो कि बहुत ही सुंदर है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और इसे मैं अपने चीक्स पे, नोज़ पे और थोड़ा सा चिन पे लगाऊंगी। उसके बाद मैं सेम आई शेडो पैलेट में से ये मैंने सिल्वर शिमर सॉर्ट ऑफ शेड लिया है और इसे मैं एज अ हाईलाइटर यूज़ करूँगी अपने हाइस्ट पॉइंट्स ऑफ द फेस पे, जो कि है मेरे चीक बोन्स, टिप ऑफ द नोज़, ब्रिज ऑफ द नोज़, थोड़ा सा चिन और थोड़ा सा क्यूपिड बो पे। और साथ में अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर दूंगी। देन फॉर लिपस्टिक मैंने यहाँ पे NYB की ये लिपस्टिक यूज़ की है, जो कि बहुत ही सुंदर रेडिश न्यूड सॉर्ट ऑफ शेड है। एंड या विद दैट हमारा ये जो लुक था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी लैशेस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये मार्स का मस्कारा, और इससे मैं अपने अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन दोनों अच्छे से कोट कर दूंगी। बहुत ही अच्छा मस्कारा है, बहुत अफोर्डेबल रेंज में है, 250 समथिंग इसका प्राइस है। बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ये मस्कारा। एंड या विद दैट वी कंप्लीट आवर दिस रिपब्लिक डे मेकअप लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल्सो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना आज का लुक आपको ये कैसे लगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।